ए हेलो गाइस व्हाट्सअप नमस्ते। तो आज के इस वीडियो पे काफ़ी कमाल के व्हाट्सअप एक न्यू हिडन फीचर्स काफ़ी कमाल के सीक्रेट एंड मैजिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली गाइस आज के डेट में व्हाट्सअप ना चलाता हो ऐसा कोई नहीं होगा। ऑलमोस्ट आज की डेट में सभी व्हाट्सअप का तो यूज़ करते हैं, लेकिन गाइस व्हाट्सअप में ऐसे ऐसे हिडन फीचर्स या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स है जो शायद ही आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता होगा। 5+ अमेजिंग फीचर्स जो कि व्हाट्सअप के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी यूजफुल मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होने वाले हैं। गाइस आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के बाद आप भी बोलोगे वाओ। बट इससे पहले गाइस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट हो चुके हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे इसी तरह के लेटेस्ट फीचर्स इंटरेस्टिंग अपडेट आप सबसे पहले देख सको। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, वेल गाइस आपका व्हाट्सअप लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सबसे पहले गाइस हम अपना व्हाट्सअप ओपन करके यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, ताकि आपको कोई छोटा सा भी डाउट ना हो। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपके एक एक काम आ सकते हैं, फिर बाद में मुझे बोलोगे कि भाई ये मैंने मिस कर दिया। बट इससे पहले गाइस यहाँ पर आप पूरा वीडियो को एंड तक देखना। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, वेल गाइस अगर आप किसी भी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आई बटन का फीचर्स मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस इस आई बटन के अंदर कुछ ऐसे ऐसे हिडन फीचर्स या फिर टिप्स है जो शायद ही आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता होगा। तो वेल गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले आई बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट तो गाइस यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स या फिर सेटिंग्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, ताकि आपको कोई छोटा सा भी डाउट ना हो। फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर आप व्हाट्सअप पर किसी को भी चैट करते हो, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का चैट मिस नहीं करना चाहते हो, तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो कस्टम नोटिफिकेशंस लाइक आप इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप किसी भी बाबू सोना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर किसी का भी मैसेज व्हाट्सअप का मिस नहीं करना चाहते हो, तो वेल गाइस यहाँ पर आपको एक खुफिया ट्रिक बताने वाला हूँ जो अगर आप अपने व्हाट्सअप पर फॉलो करते हो तो आप अपना व्हाट्सअप का चैट कभी मिस नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यूज कस्टम नोटिफिकेशंस लाइक यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टोन्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी रिंग टोन्स नोटिफिकेशंस में सेट कर सकते हो। इससे ये पता चल जाएगा कि भाई हमारा कुछ पर्सनल मैसेज आ चुका है। वेल गाइस ये आपको फर्स्ट सेटिंग्स करना है। फैक्ट नंबर 2, वेल गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, ताकि आपको कोई छोटा सा भी डाउट ना हो। वेल गाइस यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर मिल जाएगा मीडिया विजिबिलिटी लाइक आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाय डिफॉल्ट एस में सेलेक्ट होगा, आपका भी ये एस में ही सिलेक्ट होगा। तो गाइस अगर आप इसे नो पे कर दोगे तो गाइस इससे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर आपको कोई भी फोटो सेंड करता है ऑटोमेटिकली आप उसे क्लिक भी करते हो देन वो ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में सेव हो जाता है। बट गाइस आप इस फोटो को हाइड भी कर सकते हो, आप व्हाट्सअप पर ही किसी भी फोटो को हाइड कर सकते हो। गाइस ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सअप पर फोटो कैसे हाइड कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर आपको सबसे पहले किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन के प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, उसका अगर आपको फोटो किसी को भी नहीं दिखाना है या फिर वो फोटो हाइड करना चाहते हो लाइक आपको मीडिया विजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट एस में सेलेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपको इसको नो कर देना है। नो करके यहाँ पर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना। नो करने के बाद गाइस आपसे गाइस इसको अगर आप कोई भी व्हाट्सएप पर फोटो लिंक या फिर वीडियो सेंड करोगे ऑटोमेटिकली वो गैलरी में सेव नहीं होगा, ओनली वन यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में ही देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस अगर आप इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे आपसे अगर इस बंदे को कोई भी चैट्स में फोटो वीडियोस डॉक्यूमेंट्स कुछ भी सेंड करेगा ऑटोमेटिकली गैलरी में सेव नहीं होगा। इजीली गाइस आपके फोटो को कोई नहीं देख सकता है, आप चाहो तो इसे व्हाट्सअप पर चैट में आके ही इस फोटो को देख सकते हो। अगर आप इस फोटो को गैलरी में देखना चाहते हो तो गाइस यहां पर आप नहीं देख सकते हो। अगर आपको इस फोटो को देखना है तो वेल गाइस यहां पर आपको व्हाट्सअप पेज पे ही आना होगा। वेल गाइस ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फीचर्स होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर आप व्हाट्सअप पर किसी को भी चैट्स मैसेज भर भर कर करते हो, आप ये नहीं चाहते हो मेरा व्हाट्सअप का चैट आगे वाला पर्सन कभी भी रीड ना करे, तो गाइस आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली किसी भी मैसेज को चैट को डिलीट कर सकते हो विदाउट टच के। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आई बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक फीचर्स मिल जाएगा डिसअपीयरिंग मैसेज लाइक आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 24 hours 7 days 90 days ऑफ, फिलहाल तो ये मेरा ऑफ है। अगर मैं यहाँ पर 24 आवर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो गाइस आपसे इसको मैं जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज
चैट कुछ भी करूँगा 24 आवर्स में ऑटोमेटिकली सभी मैसेज वीडियोस फोटोज डिलीट हो जाएंगे। वेल गाइस अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वेल आप ट्राई कर सकते हो या फिर इसे आप ऑफ कर सकते हो। तो गाइस मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि अगर आप किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन से चैट करते हो तो गाइस आप यहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेज का ज़रूर यूज़ कर सकते हो। फैक्ट नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फीचर्स होने वाला है फॉर ऑल व्हाट्सएप यूजर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर आप मान लो अगर आप व्हाट्सएप पर किसी का भी स्टेटस आपको देखना है तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर आपको स्टेटस के ऊपर क्लिक करना पड़ता है, बट आपके बार ऐसा नहीं है, आप चैट के अंदर ही किसी का भी स्टेटस देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो मैं जस्ट चैट के अंदर ही हूँ, ओके। तो गाइस मैं इस वाले प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा स्टेटस ऑन हो चुका है। सेम ट्रिक फॉलो करके आसानी से चैट के अंदर ही किसी का भी स्टेटस देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर मैं इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर मैं आई बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट अगर मैं फिर से इस प्रोफाइल डीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो व्यू प्रोफाइल फोटो, नेक्स्ट व्यू स्टेटस। अगर आप व्यू स्टेटस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका स्टेटस ऑन हो जाएगा। इसे ट्राई कर सकते हो गाइस। आपको व्हाट्सएप आई बटन के अंदर कुछ ऐसे ऐसे हिडन फीचर्स मिल जाते हैं जो आपने कभी सोची ना होगी। फैक्ट नंबर 5 एंड फाइनल गाइस, ये काफी अपडेट अमेजिंग होने वाला है। फॉर एग्जांपल गाइस अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को भी चैट या फिर इंप्रेस करना चाहते हो तो गाइस ये अपडेट काफ़ी अमेजिंग हो सकता है बट आपके लिए। फॉर एग्जांपल गाइस अगर आप व्हाट्सएप पर किसी भी मैसेज के ऊपर टैप एंड होल्ड करोगे, नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने रिएक्शंस के इमोजी ओपन हो जाएंगे। अगर आप इन्हीं में से कोई भी इमोजी रिएक्शन में सेंड करना चाहते हो तो वेल गाइस आप कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा इमोजी ऐड करना है तो यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स या फिर कई सारे इमोजी मिल जाएंगे। आप किसी का इमोजी का सपोर्ट लेके आगे वाले पर्सन को इमोजी सेंड कर सकते हो, लाइक कुछ इस तरह का। गाइस ये व्हाट्सएप के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए गाइस हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।